A family in Kanth of Uttar Pradesh, Moradabad is on the verge of selling their house over alleged harassment by the police officials. The family members had a scuffle with their neighbours over property and both the parties had registered a FIR in this regard. Expressing their sorrow, a family member alleged the other party had offered money to the police and now they are being harassed regularly, leaving them with no option than to vacate their house. उनके साथ मारपीट करने लगा हम अपने जाकर अपने पापा बचाया यहाँ से और रजनी झगड़ा हो गया मतलब मारपिटाई हो गई उन्हें मतलब थाने ऐसी पहुंची वो उसे मतलब फिर दोबारा आई थाने वैसे आने वाले ब्लेड माथे ब्लेड हमारा अपने हाथ बेड़ा थाने पहुंच गई फिर हम पहुंचे मतलब थाने में हमें कोई सुनवाई नहीं मतलब उसी उन्हें पैसे को सुनवाई हुई पुलिस वालों को पता चला मतलब ब्लेड मार के आई है थाने में वो और हमें भाग जाया मतलब वो एक साथ दे पेपर पापा साइन करवा के अपनी तरफ से अभी लगाई पुलिस वालों ने हमारे पापा को मतलब मुझे उठा लिया कई बार और पापा को कई बार ले जा चुके हैं पापा को हमारी जमानत हो चुकी है हमें पापा को उठाती है ले जाते हैं मतलब दूसरी पार्टी ने पैसे दे रखा है पुलिस को कभी थाने जाते हैं कभी ले जाते हैं मतलब धन भी देते हैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे उन्होंने सादे पेपर पर हमारा साइन करवा कर रख लिया था उसमें पता नहीं क्या लिखा इस बारे में हमें नहीं पता और हमने डर के मारे अपने बाहर की वार्ड पे लिखवा दिया है ये मकान बिकाऊ है हम बहुत परेशान है दिन में भी रात में भी पुलिस आके परेशान कर रही है अगर घर में जेंट्स हो तो उन्हें उठा के ले जाते हैं अगर जेंट्स ना हो तो लेडीज से छेड़छाड़ करती हैं गंदी गंदी गाली बकते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं आके कॉन्ट्रेरी टू द फैमिली स्टेटमेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय प्रताप रिफ्यूटेड ऑल द एलिगेशंस एंड सेड दैट नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड इस मामले में दोनों पक्ष हैं दोनों परिवार के हैं और दुकान से संबंधित इसमें डिस्प्यूट है आपस में दोनों पक्षों ने अभी 25 दिन पहले आपस में झगड़ा किया और दोनों तरफ से चोटें आई थी दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत है और उसमें जमानतें भी हो चुकी हैं एक पक्ष जो आरोप लगा रहा है वो इस बात का दबाव बनाने के लिए आरोप लगा रहा है कि मेरे आदमियों की जो नामजदगी है उनके नाम उसमें से विवेचना में से निकलने चाहिए और इस तरीके से ये प्रेशर जो है बना रहा है बाकी कहीं कोई बात नहीं है और ना ही कोई दबिश उनके यहाँ इस तरीके की दी गई है क्योंकि वैसे भी उनको बताया गया है कि ये मामला जो है ये 7 साल से कम की सजा का मामला है और इसमें दबाव और उसके पुलिस की दबिश का तो कोई प्रश्न ही नहीं है लेफ्ट विद नो ऑप्शन द फैमिली हैज अर्ज्ड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टू इंटरवीन एंड हेल्प देम